नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक नाबालिग से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किए गए समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद मोईन खान का आपराधिक गतिविधियों का एक लंबा इतिहास है, लेकिन इलाके में उसके राजनीतिक प्रभाव ने स्थानीय सरकारों और कानूनी एजेंसियों को उसके खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया। अयोध्या में 12 साल की बच्ची से रेप के आरोप में मोईन खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 12 साल में उसके खिलाफ यह पहली बड़ी कार्रवाई है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और देखिए अखिलेश यादव कानून व्यवस्था पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस अयोध्या का जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है, ये कानून किसका संशोधित है, ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई, वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें, हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में क्यूटो में क्या हुआ, अधिकारी पे इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। सोचिए आप, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, आप अकेले में बात करना कितने प्रेशर में जीवन जी रहे हैं। ये जो भार है इनके पास, मेडल बेल और ये तमाम लेनियार्ड और नेम प्लेट और तमाम उसका, उसके अलावा ऐसा भार है इनके ऊपर, ये काम नहीं कर सकते, न्याय नहीं दे सकते, और उसका परिणाम ये हुआ कि भेदभाव कर रहे हैं। और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है, ये कितना भी कुछ कर लें अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है, और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। ये जो हारे हैं इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी तभी इनका इलाज हो सकता है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए, और खास कर से के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। मैं 3 घटनाओं का उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने जी। पहली घटना हाथरस, जिसमें एक साधु संत के कार्यक्रम के लिए परमिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं ने लिखा था, लेकिन जो प्रशासन को काम करना चाहिए था, जिस जिम्मेदारी से सुरक्षा और उन चीजों का इंतजाम करना था वो नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। न केवल जान गई है, उनका नुकसान हुआ बड़े पैमाने पर, बहुत से लोगों का हाथ पैर या जो भी नुकसान हुआ उसका कोई मदद सरकार ने नहीं की। दूसरा, आपने देखा होगा गोमती नगर में, और जब मुख्यमंत्री ने सदन में ये कहा, सूची तो हालांकि बहुत लंबी थी, इसमें पुलिस का दोष कम है, पुलिस तो पूरी सूची दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री और सरकार वो ये चाहती है कि पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन जाए। ये जो नए तरह का काम हो रहा है कि पुलिस को भी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना रहे हैं, जब पुलिस ने सूची दी सब नामों की तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने केवल यादव और मुस्लिम का नाम क्यों पढ़ा? तो आपने देखा कि अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार को कैसे घेरा। साथ ही अगर मोईन खान की बात आगे की जाए तो उसकी गिरफ्तारी के बाद अब अधिकारियों ने उसकी विभिन्न संपत्तियों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। मोईन खान का प्रभाव 2 दशकों में समाजवादी पार्टी में शक्तिशाली हस्तियों के साथ उनके संबंधों के जरिए विकसित हुआ था। वह विशेष रूप से भद्रसा नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद राशिद का करीबी था,
इसके पिता मोहम्मद अहमद भी महत्वपूर्ण प्रभाव रखते थे। पढ़ाई छोड़ने के बाद मोहित खान 18 साल की उम्र से पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखने लगा था। प्रॉपर्टी का काम करते हुए वह कांग्रेस दफ्तर में बैठने लगा, जिसके कारण लोग उसे कांग्रेस का कार्यकर्ता समझने लगे। आपको यहाँ ये भी बता दें कि मोइन साल 2012 से भद्रसा के नगर अध्यक्ष हैं। करीब 6 साल पहले मोहित खान ने बेकरी शुरू की थी। मोहित के 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़े बेटे का नाम जाहिर, नदीम, नफीस और सबसे छोटा बेटा जावेद है। जानकारी के अनुसार मोहित खान से जुड़ी सबसे अहम घटनाओं में से एक 24 अक्टूबर 2012 को सामने आई थी। भद्रसा में दुर्गा पूजा जुलूस के दौरान एक सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था, जिसमें हिंदू जुलूस पर हमला हुआ था और भोला गुप्ता नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। मोहम्मद मोहित खान के साथ मोइन खान पर दंगा भड़काने और हत्या का आरोप लगा था। हालांकि मोहित को एक FIR के बाद जेल में डाल दिया गया था, लेकिन उसका प्रभाव इतना गहरा था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ा। साथ ही ये भी कहा जाता है कि भद्रसा पुलिस चौकी कथित तौर पर उनके आवास से संचालित होती थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि पुलिस चौकी मोहित के घर में नहीं बल्कि एक करीबी सहयोगी की जमीन पर थी। 2012 में मोहम्मद अहमद के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों का लाभ उठाते हुए मोहित खान समाजवादी पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष बना, जिस पद का पर वह अब भी कायम है। अहमद के संरक्षण में मोहित ने सरकारी और करीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। मोहित खान के 6 बच्चे हैं, 4 बेटे और 2 बेटियां। अपनी सीमित शिक्षा के बावजूद केवल मदरसे में पढ़ने के बाद मोहित ने काफी धन और प्रभाव हासिल किया। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के कारण राजस्व विभाग द्वारा ध्वस्तीकरण के लिए चिन्हित एक निजी बैंक वाला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी कथित तौर पर विदेश में रहने वाले उसके एक रिश्तेदार का था। मोहित की हालिया गिरफ्तारी के बाद कई दलित परिवार उस पर जमीन जब्त करने का आरोप लगाते हुए सामने आए हैं। जिला प्रशासन फिलहाल उसकी संपत्तियों की जांच कर रहा है और संदेह है कि मोहित ने अपने रिश्तेदारों की विदेशी कमाई का कई संपत्तियों में निवेश किया है। उसके और उसके सहयोगियों के नाम पर संपत्तियां अब जांच के दायरे में हैं। जानकारी के मुताबिक पीड़ित लड़की के पिता नहीं है, माँ और उसकी बहनें मजदूरी करके अपना पेट भरती हैं। लड़की अपनी माँ के मदद के लिए गाँव में काम करती थी। एक दिन जब वह काम से वापस लौट रही थी, तब बेकरी मालिक और सपा नेता मोहित खान ने लड़की को रोककर किसी बहाने से अंदर बुला लिया। इसके बाद नौकर के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया, वीडियो बनाया और वायरल करने की धमकी दी। इस घटना के कई दिनों बाद जब एक दिन लड़की के पेट में दर्द हुआ, तब जाकर लड़की ने अपनी माँ को सारी सच्चाई बताई। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और मामले की जांच जारी है और देखा जा रहा है। तमाम विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को इस मामले को लेकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा मोहित खान के ऊपर क्या कुछ कानूनी कार्रवाई होती हुई नजर आती है और ऐसे में समाजवादी पार्टी का जो सियासी रसूख है उस पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद से ही अखिलेश यादव का कद बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी को जिताई और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उपचुनाव सर पर हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अखिलेश यादव पूरी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मोहित खान के इस मामले को क्या विपक्ष उठाकर चुनावी मुद्दा बनाता है, और अगर चुनावी मुद्दा बनाता है तो क्या वाकई समाजवादी पार्टी अपना सियासी रसूख बचा पाएगी या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी एक बार दोबारा से कहीं ना कहीं अपना वजूद खोती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 News।